कर फिटिंग कर पूरा। हो गया ना इसको पलटा पीछे से दिखा पूरा। इंटरकूलर रेडिएटर ये पूरा रेजिस्टेंस कॉइल नहीं लगाया इसका। इसका बदला था ना फ्रेम, फ्रेम बदलाने का पूरा फिटिंग हो गया। इसमें पानी है, कूलेंट है क्या? चेक करना, नहीं है शायद, पानी कम है थोड़ा। नहीं है, बोला ना, ये पूरा लीक चेक करना पड़ेगा। एक बार ये सब खोल के अपने हाथ से फिटिंग कर लेना। और नीचे का पाइप चेक करना है लगाते हो? नहीं, नीचे का मैं किया ना, नीचे वो टेढ़ा था एकदम। हाँ, सीधा किया ना। हाँ, मैं लगाने पहले मैं वो कर लिया। हाँ, अच्छा किया। मैं साबुन पानी बना के डालता हूँ, ज्यादा नहीं, डायरेक्ट मशीन ही चेक करेगा। ये गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था ना, तो ये पूरा फ्रेम चेंज किया था। वो टाइम पे अपन ये बनाया वीडियो, यानी इसका बताया आपको कि बाहर के बाहर ही कंडेंसर रेडिएटर सब फिटिंग हो गया था। इंटरकूलर इन्होंने क्लीन किया, बाद में पूरा फिटिंग हो गया। ये पाइप वगैरह सब लगा दिया है, कूलेंट का लेवल देखना बाकी है। पूरे एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं है ना वो डैमेज वाला, देख जहाँ डैमेज था ना। बराबर है, तो जाना चालू होता है वो जहाँ मारता वहाँ देख। गैस चार्जिंग कंप्लीट हो गया, करो गाड़ी चालू करो। जब भी इसी का काम करते हैं ना, तो फिल्टर जरूर चेक कर लेने का। फिल्टर चेक करोगे तो एयर फ्लो पता चलेगा, बाकी और कुछ प्रॉब्लम रहा तो पता चलेगा। ये मैनुअल टाइप है, ऑटो एसी रहता था इसमें तो कोडिंग दिखा देते थे आपको। अभी एसी चालू करेंगे, टेस्टिंग ले लेंगे इसका। करो चालू। पहले प्रिकॉशन, जब भी गाड़ी चालू करते क्लच दबा के रखने का, गाड़ी न्यूट्रल होने के बाद भी। इसे चालू कर, हो गया वो कूल पेच। ये गाड़ी एक्सीडेंट था, कूलिंग नहीं आया अभी तक। हाँ आ गया, आ गया, कूलिंग आ गया, सब आ गया, बढ़िया आ गया, हो गया सर।